सर, इस बिल में हाथी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एसटी मान्यता दिया जा रहा है। सर, इस बिल का हम स्वागत करते हैं एंड इसमें तो कोई दोहराए नहीं कि इनको जो 1967 से जो जौनसर बवार उत्तराखंड में रीजन है वहाँ इनको आदिवासी मान्यता दिया जा रहा था लेकिन हिमाचल में नहीं मिल रहा था। एंड ये बहुत खुशी की बात है कि इस समुदाय को न्याय मिलेगा। सर, इसमें कुछ मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर बिल में आप अगर देखोगे तो ये लिखा गया है कि इनको तो आदिवासी मान्यता दिया जाएगा लेकिन हाथी कम्युनिटी के जो एससी लोग हैं उनको छोड़ के। सर, व्हेन यू लुक एट द लोकर कमिटी रूल बुक जो माय एस्टीम्ड कोलीग आल्सो पॉइंटेड आउट सम टाइम बैक, व्हाट शुड बी ए ट्राइब, ए शेड्यूल ट्राइब क्या होना चाहिए? ए शेड्यूल ट्राइब शुड हैव स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटनेस एंड एक्सक्लूडेड एग्जिस्टेंस। सेकेंड, ए डिस्टिंक्टिव कल्चर, प्रिमिटिव ट्राइब्स, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब एक ही कम्युनिटी को आप बोलते हो कि ठीक है आदिवासी मान्यता दिया जाए ये लोकर कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन ये भी बोलते हो कि जो लोग एससी हैं उनको छोड़ो मत। सर, इसमें तो कुछ मैं स्वागत करता हूं बट ये बिल क्या है? समझ के बाहर है। ये मतलब दे ट्रिविलाइजिंग द ट्राइबल्स। मैं आदिवासी हूं सर, गर्व के साथ कहता हूं मैं आदिवासी हूं, बट अभी भी साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट वो सब चीज अभी भी है हम लोगों के पास। अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखोगे तो अब ये माना जाएगा कि एसटी लोग अपर कास्ट है, एससी लोग लोअर कास्ट है, ये कास्ट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब धर्मांतरण की भी बात हुई थी, कन्वर्शन की बात हुई थी कुछ दिनों पहले। कुछ मित्र आए थे मेरे पास, ये बोले थे कि जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन करेंगे उनको रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन आदिवासी अगर हिंदू है तो रिजर्वेशन कंटिन्यू करो। सर, मेरा सवाल एक ही है, क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। अब आदिवासी धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे हैं? अभी बोल रहे हैं हम वनवासी हैं। सर, मैं जंगली जरूर हो सकता हूं लेकिन वनवासी ही नहीं हूं। अगर देखोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता वनवासी और आदिवासी में क्या फर्क है, मैं बताता हूं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे, लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। ये आप समझ लीजिए, हम इस देश के मूल वासी हैं, खाली वनवासी बोल के आप हमें अलग नहीं कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज है सर। आदिवासी ठीक है, हम आदिवासी बनने के बाद क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, बट ये सरकार अभी क्या कर रही है इसका मैं खुलासा आपको सामने देने चाहता हूं। ग्राम सभा की बात किए, पेशा की बात किए, भारतमाला प्रोजेक्ट गुजरात में 25 ग्राम सभा ने रिजेक्ट किया, पारित कर लिए। वो लोग कह रहे हैं चिन्नई अहमदाबाद सूरत जो रोड बन रहा है वो सूरत के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, आदिवासी लोग दूसरे जगह में वहां से घुमा के लेके आओ। डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 50 मिलियन पीपल आर डिस्प्लेस। केवाड़िया मैं गया था सरदार पटेल जी का स्टैच्यू देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बोले आदिवासी को ये हो जाएगा वो, पता है क्या कर रहे हैं सर? बेडशीट चेंज कर रहे हैं, अपनी जगह दे दिए, हजारों हजारों एकड़ दे रहे। 5,000 करोड़ का भारतमाला प्रोजेक्ट शेड्यूल 5 एरिया मेरे एरिया कोरापुर से जाता है। आप पूछिए एक भी आदिवासी को वहां पे नौकरी मिला है, ठेकेदारी काम मिला है? किसी को नहीं मिला सर, मिलता ही नहीं है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, बताता हूं समस्या क्या है। अंग्रेजों के टाइम से ये है शेड्यूल 5 एरिया, आई एम फ्रॉम शेड्यूल 5 एरिया। शेड्यूल 5 एरिया में क्या होता है, आपको परमिशन चाहिए जगह बेचने के लिए, स्वागत करते हैं। 5 एकड़ के ऊपर चाहिए उसके बाद आपको परमिशन मिलता है, आप एक आदिवासी को बेच सकते हो। इसके लिए सर दिस इज ए वेरी गुड इंटरवेंशन विद द गवर्नमेंट, बट क्या होता है हम लोग की जगह का दाम घट जाता है, ट्रांजैक्शन नहीं है। आज सुबह चर्चा हो रही थी गडकरी जी के साथ, आंध्रा में 60 लाख एकड़ मिल रहा है। पता है कोरापुट में भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए हाईवे ने कितने पैसे दिए? 1 एकड़ के लिए 50,000 रुपया, एंड 4 गुना ज्यादा 2 लाख रुपया 1 एकड़ के लिए। वही जगह आंध्रा, क्या कोई जनरल जगह ले लो आप, 1 करोड़ जा रहे 1 एकड़।
हम आदिवासी लोग 50,000 का दाम है क्योंकि 100 साल से ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ले लो। सरकार अपनी जगह में मोर्टगेज करने के लिए, बैंक्स मोर्टगेज करने के लिए नहीं आता, मेरी जगह है, आई कांट डेवलप, मोर्टगेज के लिए बैंक नहीं आता। ठीक है, आप आदिवासी सुरक्षा के लिए सब किए, लेकिन ये जगह क्यों सरकार ले रही है? हाईवे बनाने के लिए आपको जगह चाहिए, आदिवासी की जगह के ऊपर ले चलो, वापस थोड़ी आनी है, वापस तो मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले अपने जो माइनिंग डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन निकाला है न्यूज़पेपर में कि सम माइनिंग जो ब्लॉक्स है दिस इज अवेलेबल फॉर ऑक्शन। पता है उसमें एक मैं देख रहा था क्या है, बालडा करके एक माइनिंग ब्लॉक है, बॉक्साइट माइनिंग ब्लॉक जो पोटांगी में है, उसके ऑक्शन के लिए ये लोग इन्विटेशन कर। पता है बालडा क्या है? हम लोग पूजा करते हैं वो जंगल में, वो पहाड़ में हम लोग पूजा करते हैं, आप ऑक्शन करोगे? किसे पूछे? सर फैक्ट्री हुआ है, वे इनवाइट, हम लोग डेवलपमेंट के विरोध नहीं है, फैक्ट्री हुआ है उत्कल एल्युमिनियम, वहां पे एक फैक्ट्री बना है रायगढ़ जिला में, एक डी करल एंड डिमुडी दो जगह है, एक छोटी छोटी जगह है, 100 घर की बस्ती है, दे आर नॉट विलिंग टू टेक दैट लैंड, और उसके आसपास हर जगह फैक्ट्री है। वी फॉट दिस आरडीसी मीटिंग, हर जगह फाइट किए, कुछ भी नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हो, नालको 1,000 एकड़ लिया अपने आदिवासी बच्चों का, पता है क्या क्या बोले, एक नौकरी देंगे करके। 45 साल में वो बंदा नौकरी लिया है, 2 साल में उसका देहात हो गया, ना उसके बच्चों को नौकरी ना कुछ, उसका जमीन सब गया। सर पोलावरम डैम भी है भाई साहब, लोग सब बोलते चाहिए, पता है वो डैम होगा तो क्या होगा, हम आदिवासी लोग ही मारे जाएंगे, 1,000 आदिवासी लोग सबमर्ज हो जाएंगे, ये देश में चल रहा है सर। एंड ये देखोगे आप लोग जितने सब इंटरवेंशन अभी चल रहा है लोग का, ये सरकार पिछले 8 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कैसे बाईपास करके आए, अमेंडमेंट्स इन वेरियस एक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उसमें लेके आ रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1950 उसमें अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है सर, पैसा को कैसे बाईपास कर सके। एंड जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, बड़ी बड़ी बातें करते हो, केंदू पता टेंडू लीज, पता कितना जीएसटी है उसमें, 18% जीएसटी, वो क्या होता है, ये हम लोग का अधिकार है कि जो टेंडू प्लकर्स है वो जंगल में जाके टेंडू पत्ता उठाते हैं और वो बेचते हैं, दे ट्रेड इन दैट, 18% जीएसटी उसमें डाल रहे हो आप, ये तो शुक्र है छत्तीसगढ़ सरकार का 4,000 रुपया दे रहे हैं बस्ता का, बाकी जगह में तो 1,200 रुपये 800 रुपये इस टाइप का रेट चल रहा है। आप अगर कुछ आदिवासी करना है तो पहले उसे कम करो। और एक सर बहुत बड़ी चीज है, अर्बनाइजेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, सर 5th Schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स लॉज सेपरेट फॉर पंचायत राज एक्ट एंड नगर पालिका एक्ट टू एडमिनिस्ट्रेट विलेजेस एंड टाउन्स इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। सर पार्लियामेंट ने पैसा लागू किया है, इसमें बहुत सारे राज्य है जो अभी तक पैसा इंप्लीमेंट नहीं किए, रूल नहीं किए, कुछ कुछ स्टेट्स किए हैं, लेकिन सर एक चीज जो बहुत बड़ी चीज रह गई है वो अर्बन ट्राइबल एरियाज, माइन इज Schedule 5 एरिया Schedule 5 डिस्ट्रिक्ट। म्युनिसिपालिटीज देखोगे तो उसमें ना म्युनिसिपालिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज मेसा 2001 बिल, ये अभी तक एनेक्टेड नहीं है, जो माननीय मंत्री जी है नहीं, मेसर स्टेट है, मैं बोलना चाहता हूं कि आप 3.5 साल हो गया, कोई भी ऐसे ट्राइबल बिल में मैं एब्सेंट हुआ कभी नहीं हो सकता, भले बोलने का मौका नहीं मिले, लेकिन सर मैं बार बार यही बोलते आ रहा हूं कि आप अगर कोई बिल लाना चाहते हो, कोई ट्राइबल बिल लाना चाहते हो, ये लेके आओ कि हम आदिवासी लोग क्या है, कैसे जी रहे हैं, क्या समस्या है। आप ले आओगे एक बिल तमिलनाडु का, एक बिल हिमाचल का, ब्रिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव बिल, खत्म कर दो सब कुछ कि जिस जिसको बनना है बनना है, नहीं करना है, बट दे ट्रिविलाइजिंग द होल थिंग। सर इस पर्टिकुलर बिल में देखोगे ना, वी आर गिविंग हाथी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस, जो एससी में है उनको छोड़ दो, एसटी एससी आर वेरी डिफरेंट, लेट मी टेल यू वेरी कैटेगरिकली, हम आदिवासी लोग बहुत अलग है एससी से, आप इसको क्लब करके एक साथ नहीं कर सकते। जो ये क्या है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हटा दिए, उसमें ये स्टेटमेंट था कि एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी सबका हट गया करके, अब मंत्री जी बोल रहे हैं 10 लाख लोग आदिवासी लोग पढ़ रहे हैं। सर ये मैं बताता हूं अभी एजुकेशन में क्या हो रहा है, एजुकेशन में जितने सारे छोटे छोटे स्कूल है वो सबको क्लब करके बंद किया जा रहा है, एंड ये जितना हो रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भारत सरकार केंद्र सरकार दे गिविंग सब्सिडी ग्रांट्स 1,000 करोड़ देते हैं कि प्राइवेट स्कूल करे। एंड द फनी थिंग इज जो लोग नियमगिरी में
जिस कंपनी को विरोध किए, वेदांता को, वेदांता इज स्पॉन्सरिंग ए ट्राइबल स्कूल, ए प्राइवेट स्कूल इन सम अदर सिटी, एंड वो बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। एसपी कलेक्टर बोल रहे हैं 100 बच्चे आदिवासी, तो ये क्या इनडायरेक्टली घुस नहीं रहे हैं? वो नियमगिरी का जो आदिवासी है, विल ही नॉट गेट अफेक्टेड? उनको जो एजुकेशन का दायित्व किसका है? सरकार का नहीं है क्या कि प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ेंगे वो लोग? बहुत गंभीर चीज है सर। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बट मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये ट्राइबल मिनिस्ट्री अगर कुछ लेके आना चाहता है तो मुझे, जब पार्लियामेंट से बाहर था मैं बिफोर गेटिंग इलेक्टेड, मुझे लगा था हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, लाइक क्या है क्या नहीं है, क्या होगा 2/3 मेजोरिटी। अभी देख रहे हैं सर, कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। लुक एट द डिबेट्स, हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं आदिवासी क्या है क्या नहीं है, चर्चा भी नहीं हो रहा है, एंड ऐसे ही बिल पास हो रहा है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक। अब एक बिल लेके आओ जो चर्चा करेंगे। मेरे उड़ीसा के बारे में भी कुछ डिमांड्स है, जो लोगों का डिमांड्स है, एंड निशांत जी बहुत ठीक बोले थे, एक आदिवासी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाए क्या आदिवासी होना बंद हो जाएगा? सर, रिजर्वेशन देने का मतलब यही है कि हम मेन स्ट्रीम में घुसे, तो ये कभी ये नहीं होना चाहिए। झोड़िया ट्राइब जो है, ये काशीपुर में झोड़िया नहीं है लेकिन नवरंगपुर में झोड़िया है, वो झोड़िया कलांडी में झोड़िया है लेकिन काशीपुर में झोड़िया नहीं है, क्योंकि सम पर्टिकुलर रीजंस राज्य सरकार ने बहुत कुछ रिकमेंडेशन भेजा है, जिसमें ओडिशा के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूँ, एक टास्क फोर्स भी गठन किया गया था 2014 में, जिसमें ये बोला गया था कि ओडिशा का जो लिस्ट है वो लेके आओ, उसमें कुछ कुछ एसटी कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने की बात हुई थी, जिसमें था इंक्लूजन ऑफ भंजापुरन, तामाड़िया, तमुड़िया, तामरिया, तमुरिया, पुरान, पुरान इन एसटी लिस्ट, भोक्ता, भुक्ता, भोगता, भोक्ता, दुर्वा, कलंगा, नकासिया, पवा, खंडयात, भुया, तमुड़िया, तमड़िया, चपुआ, कमार, कंदिया। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट थे वो कंदो कुमार था, जिसको इंक्लूड करने के बाद था, फिर झोड़िया जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कई बार उठा चुका हूँ मैं, कम से कम 7 बार उठा चुका हूँ झोड़िया ट्राइब, झोड़िया 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 सिनोनिम ऑफ झोड़िया परोजा एंड सबसेक्शन ऑफ परोजा परजा परजा ट्राइब एट एसटी लिस्ट नंबर 55 और एसटी लिस्ट ओडिशा। इसके लिए मैंने अमेंडमेंट लिया था लेकिन मेरा अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि बोली आउट ऑफ स्कोप है, तमिलनाडु का बिल है, हिमाचल का बिल है, तुम ओडिशा का घुसा नहीं सकते। कहां डालेंगे सर इसको, आप बताओ क्या करेंगे? एक एमपी के हिसाब से अगर मैं अपने एरिया का प्रॉब्लम नहीं बता दी, इसको कब लेके आओगे? इसके साथ दुरुआ है, धुरुआ है, धुरुआ है, डिसेबिलिटी लिस्टिक फिनेटिक वेरिएशन दोरा करके एक ट्राइब है, ये सब चीज है जो करना पड़ेगा। एंड आदिवासी सर, हम लोग मूलवासी हैं, आप हमें, पहले तो हम लोग के जंगल में घुसे थे, अब हमें जहां जहां माइनिंग है, बॉक्साइट है, वहीं पे आप आ रहे हो, खाली आ रहे हो कि ये दिखाने के लिए कि हम ये कर दिए वो कर दिए, नहीं होगा सर। ये इस सरकार का नहीं, किस हर एक सरकार को बोल रहा हूं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये जल जमीन जंगल ये सब हमारा है सर, रिजर्वेशन 75 साल में हमें इतना आगे नहीं पहुंचा है। मैं अपने ट्राइब का पहला कंप्यूटर इंजीनियर हूं, अजीब सी बात है, मुझे गर्व नहीं हो रही है, मुझे दुख लग रही है कि अभी तक कैसे ये हो रहा है। सर हमें अधिकार, खाली रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहता हूं, हमें अधिकार चाहिए, और जो 47 सांसद यहां चुनके हैं आदिवासी के लिए, उनको ही मौका दीजिए सर। हम चर्चा करते हैं, आदिवासी लोग चर्चा करते हैं इस सदन में, हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। यही सब चीज बोल के मैं अनुरोध करता हूं कि अब उड़ीसा का बिल भी मैडम जल्दी लाइएगा, एंड इसमें हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत देरी से वेट कर रहे हैं कि ऐसा बिल कैसे आएगा उड़ीसा का, जो डिजर्विंग है, ये लोगों को कैसे आदिवासी मान्यता मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ, इसके साथ इस बिल को मैं समर्थन करता हूँ, एंड इसी से अपना भाषा विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।